दोस्तों, आपको डोरीमोन का वो एपिसोड तो याद होगा जिसमें आसमान में एक कॉमेट नजर आता है और वहाँ के लोग उसे हेली स्केल बोलते हैं और वो समझते हैं कि जब वह धरती से होकर गुजरेगा तो पृथ्वी की सारी ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, जिसके चलते एपिसोड के लास्ट में पता चलता है कि वह कोई हेली स्केल नहीं बल्कि हेलिस कॉमेट होता है जो कि 76 साल में सिर्फ एक बार दिखाई देता है। उसकी खोज करने वाले इंसान का नाम एडमंड हेलिस था। असल में इसकी खोज किसी ने नहीं की थी बल्कि प्राचीन समय से ये कॉमेट लोगों को आकर्षक करने की वजह बना था। एडमंड ने तो सिर्फ इसके रहस्यों को दुनिया के सामने उजागर किया था। तो आइए समझते हैं कि वो रहस्य क्या थे और किन प्राचीन सभ्यताओं ने इस कॉमेट को देखा था। साइंटिफिक फेथ की एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये बात है 1687 की, जब न्यूटन ने अपने ग्रेविटी के नियमों का उपयोग करके ये बात दुनिया के सामने रखी थी। साल 1680 और 1681 में देखा गया कॉमेट दोनों एक ही थे, जो कि सूरज के पीछे से गुजरने के पहले और बाद में दो बार देखे गए थे। इतना जानने के बाद भी न्यूटन उस कॉमेट को पूरी तरह समझने में नाकामयाब रहे थे। लेकिन न्यूटन का एक दोस्त एडमंड हेली, जो कि खगोल वैज्ञानिक था, उसने न्यूटन की कक्षा के नियमों का उपयोग करके कुछ कॉमेट की स्टडी की थी। इस स्टडी से उसे पता चला कि साल 1531 और 1607 में जो दो कॉमेट दिखे थे वो ठीक उसी जगह पर 1680 वाला कॉमेट दिखाई दिया था। आखिर में जाकर उसने एक कंक्लूजन निकाला कि ये तीनों कॉमेट एक ही थे जो कि 76 साल के सफर के बाद वापस लौटे थे। हेली की रिसर्च के अकॉर्डिंग उसने कहा था कि अगला कॉमेट 1758 में दोबारा दिखाई देगा, और जब 1758 वाला साल आया तो वह कॉमेट आसमान में दिखाई दिया। लेकिन उसे देखने के लिए एडमंड हेली जिंदा नहीं बचे थे। इस कॉमेट की जानकारी देने और एडमंड हेली को सम्मान देने के लिए इस कॉमेट का नाम हेलिस कॉमेट रखा गया। हेलिस कॉमेट पिछले 2000 सालों से भी पहले से दिखाई दे रहा है। सबसे पहले इसके बारे में 467 BC में प्राचीन ग्रीस सभ्यता द्वारा लिखा गया था। इसमें हेलिस कॉमेट के कलर, टाइम और साइज का जिक्र किया गया था। साल 1066 में इंग्लैंड और फ्रेंच सेनाओं के बीच जब लड़ाई हो रही थी तो उस समय ये कॉमेट दिखाई दिया था। उन्होंने इसे एक तारा समझा था जो कि वीनस ग्रह से 4 गुना बड़ा और चांद जितना चमकीला था। ये आर्टिकल बेओस टेपेस्ट्री के अंदर किया गया है, जो कि कपड़ों से बनी एक किताब है। असल में इसे कई सभ्यता ने अलग अलग समय में देखा था, जिसका जिक्र हमें उसके प्राचीन ग्रंथों से मिलता है। एडमंड के बताने से पहले यही माना जाता था कि कॉमेट हमेशा यूनिवर्स में सफर करते रहते हैं और कभी अपने रास्ते को नहीं दोहराते। लेकिन ये ओपिनियन गलत साबित हुआ और आज के समय में हमारे पास उसी कॉमेट से जुड़ी जानकारियां मौजूद हैं जो हजारों साल पहले देखा जाता था। हेलिस कॉमेट की लंबाई 15 किलोमीटर और चौड़ाई 8 किलोमीटर होती है और ये सौरमंडल के सबसे काले खगोलीय पिंड में से एक है। ये अपने पर पड़ने वाले प्रकाश का सिर्फ 3% को ही रिफ्लेक्ट करते हैं। साथ ही जब ये सौरमंडल में दाखिल होते हैं तब अपने अंदर से बर्फ और पत्थरों की बारिश भी करते हैं। हेलिस कॉमेट का ऑर्बिट गोल ना होकर अंडाकार होता है, जो कि सूरज से लेकर प्लूटो तक फैली हुई है। हेलिस कॉमेट प्लूटो ग्रह के पार से आता है, जहां बीच में वो पहले नेपच्यून और यूरेनस के ऑर्बिट से होकर फिर जुपिटर और सैटर्न के ऑर्बिट से मिलता है। फिर जब वो पृथ्वी के ऑर्बिट के नजदीक से पहुंचता है तब उसकी स्पीड 71 किलोमीटर पर सेकंड हो जाती है, जो कि इसकी अब तक की सबसे तेज गति मानी जाती है। आखिर में वो मरकरी और वीनस ग्रह के ऑर्बिट के बीच पहुंचता है, जहां सूरज से उसकी दूरी सबसे कम होती है, और यहां से वो सूरज की परिक्रमा करके अपने रास्ते वापस लौट जाता है। आमतौर पर एक कॉमेट की लाइफ 1000 साल की होती है, जबकि एस्ट्रोनॉमर्स के अकॉर्डिंग हेलिस कॉमेट की लाइफ 16000 साल है। जब हेलिस कॉमेट अपनी पूरी लाइफ स्पेंड कर लेगा तो वह एक छोटा काला पत्थर बन जाएगा और अंत में जाकर अंतरिक्ष में वह धूल बनकर रह जाएगा। हेलिस कॉमेट लास्ट टाइम 1986 में देखा गया था और अब वो 2061 में देखा जाएगा। रिसर्च के अकॉर्डिंग 2061 में देखा जाने वाला हेलिस कॉमेट सूरज और पृथ्वी की तरफ होगा, जिसमें वो 1986 की तुलना में ज्यादा चमकीला दिखाई देगा। अगर आप भी हेलिस कॉमेट को देखना चाहते हैं तो 2061 तक इस दुनिया में आपको टिके रहना पड़ेगा। दोस्तों, हेलिस कॉमेट के बारे में ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी ही और न्यू वीडियो देखने के लिए।